अलीराजपुर के जोबट में आयोजित कार्यक्रम में जहां पर लाखों के कार्यों का भूमि पूजन एवं लाखों के कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसी अवसर पर स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों पर आधारित बायरा ब्रांड की प्रदर्शनी का अवलोकन तथा पुस्तिका का विमोचन किया गया। हमारी बहनों ने उत्पाद बनाया और साथ ही में अब उसे बायरा ब्रांड के नाम से सफलतापूर्वक बेच रही हैं। मेरी बहनों ने अतुलनीय क्षमता है, जहां पर मेरी स्वयं सहायता की बहनें जो उत्पाद बनाएंगी उसकी मार्केटिंग सरकार करेगी। जो भाई बहन अपने ज़मीनों का बंटवारा और नामांतरण करवाना चाहते हैं उनकी अविवादित ज़मीनों का बंटवारा एवं नामांतरण का कार्य 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। जिसके पास राशन के लिए पात्रता पर्ची नहीं है उनके लिए पर्ची बनाई जाएगी एवं उन्हें राशन दिया जाएगा। राशन देने के लिए हम अन्य उत्सव आयोजित करते हैं जिसमें कोई गड़बड़ी न कर सके। किसी ने गड़बड़ी की तो उसे मैं जेल भिजवाऊंगा। 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान एक बार फिर चलाया जाएगा। मेरे उन सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है वे जाकर टीका लगवाएं। टीकाकरण कोविड-19 से लड़ने का प्रभावी उपाय है। जोबट में 5 करोड़ रुपए की लागत से शानदार स्टेडियम बनेगा। इस स्टेडियम में तीरंदाजी के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया जाएगा और इस खेल में भी बच्चे आगे निकले और देश का नाम रोशन करें। जोबट में अस्पताल के उन्नयन के लिए 13 करोड़ और नवीन छात्रावास के लिए 27 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 28 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।